सबको लाइए मौलाना, पूरा सवाल तो जाने दीजिए, डिबेट कर लीजिए जरा, पूरा सवाल हो जाने दीजिए। तारिक पता है ये चक्कर क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई डिबेट होती है कि साहब आप बकरे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, तो एक मौलाना साहब आके कहते हैं आप भिंडी भी तो काटते हैं। यहाँ पर बहस हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो ये कह रहे हैं कि आप गौकशी पर कानून क्यों नहीं ला रहे, क्यों भाई असली मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, मारकाट उसके नाम पे हो रही है, मामले बढ़ रहा है। अच्छा चिल्लाइए नहीं, आराम से बोलेंगे तो आवाज सुनिए। आप जो बायस बात कर रहे हो भाई, मौलाना साहब बायस, आप टोपी दाढ़ी लगा के नहीं है, आदमी को यहाँ बिठा के ला रहे हो, हमारे अब आप ये स्थानीय आदमी हमारे देश को कानून बताएगा, देखिए शर्मनाक बात है, बताएगा पाकिस्तानी मुल्क देश को कानून बताएगा। तब आपको बुरा नहीं लगता जब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप इस देश दंगे होते हुए देखते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता, उनके लिए नारे लगाते हैं, पैरवी कर देते हैं, बुरा नहीं लगता। यहाँ आपको ये लग रहा है कि दुनिया की बात क्यों हो रही है, लोग फेक उस पर फेक फुटेज चला देते हैं। मौलाना उनकी बात सुन लीजिए, लोग इस देश में किस किस पद तक गए आपको पता है या मैं बताऊं, इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए, इस बात पे रहिए केवल, इनके लिए जरा पानी लाए, ठंडा पानी लाए। मौलाना करता हूँ तो बात सुन लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी मूल के अगर आप हमारे देश के कानून में दखलंदाजी करने जाएगी, इससे ज्यादा बड़ा बुरा दिन होगा। अगर अगर आप मस्जिद नहीं है जहाँ आप ये तय को रोक सके, अगर आप मस्जिद करके आए हैं कि आपको बोलने नहीं देना और केवल चिल्लाना, लोग चले जाते हैं यहाँ से, आप अकेले बोलिए, तकरीर कीजिए, समझ लीजिएगा मस्जिद में बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हम चले जाते हैं सब लोग यहाँ से, विदेशी मूल के लोग आज यहाँ पर कानून बनाएंगे, आप बिल्कुल आप उनके बात जब आपने भेज दिया हिंदुस्तान को तो बाकी क्या रहा। तारिक फतेह देखिए सीधी बात है, मौलानाओं को मदरसा चलाने वालों को डर ये लगा हुआ है कि जिन औरतों को इन्होंने दबा के काले कफन के अंदर बंद रखा हुआ है और कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पे अजाब लगेगा और तुम हिंदुस्तान के नौ मुसलमान लोगों के सामने बिल्कुल बेपर्दा ना जाओ, और तुम 15-15 साल की 13-13 साल की बच्चियों को आने वाले अरब जो आ रहे हैं यहां से बच्चियां उठा के जा रहे हैं वहां जाओ, चाइल्ड मैरिज किस्म का जुल्म जो इस वक्त मुसलमान मौरत पे हो रहा है वो मुसलमान मुला लीडरशिप और मॉस्क एस्टैब्लिशमेंट के हाथों हो रहा है। हमारे देश मेरी बात नहीं है, बात करें पाकिस्तान में हो सकता है, खामोश होता आपकी बात कर रहा हूँ, आपके आपकी बात कर रहा हूँ, आप आए हो, अरे आपने बनाया पाकिस्तान, और मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति है कि इस तरह के लोगों को हमारे देश में बुलाया जा रहा है, स्लीपर सेल कायम नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है, स्लीपर मुझे डेविड हेडली याद आ जाते हैं, इस तरह के लोग पाकिस्तान में बुलाए जाते रखे जाते हैं। मौलाना साहब अगर आप ये तय करके आए हैं कि आप ये चेहरा मस्जिद की आदत इस देश का मुसलमान वही है जो आप पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चर्चा खत्म कर देनी चाहिए, फिर बहस ही किस बात की है। आपने तो अदालत में कह दिया क्लीन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या हो सकती है, तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा, अदालती कार्रवाई होगी तो महिला की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी उस पर सवाल उठेंगे, कानूनन दूसरी पत्नी ना इससे बेहतर है कि आदमी कहीं बाहर विवाह प्रथा समाज की जरूरत है, कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। अगर रोहित एक बात मौलाना उनको पूरा करने देंगे आप, जी, आप पूरा जिन लोगों को आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, नहीं मुझसे कर, आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसलिए जिन हिंदुस्तान सुने जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सेकंड सर इंटरव्यू कीजिएगा, पहले इधर से पूरा होने दीजिए, प्लीज बात तो कर लेने दीजिए प्लीज, जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को शरिया चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक शरिया का पाकिस्तान बनाया था, आप मस्जिद नहीं है जहाँ आप ये किसी को रोक सकें, अगर आप मस्जिद करके आए हैं कि आपको बोलने नहीं देना और लोग चले जाते हैं यहाँ से, आप अकेले बोलिए, तकरीर कीजिए, समझ लीजिएगा मस्जिद में बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हम चले जाते हैं सब लोग यहाँ से, विदेशी मूल के लोग आज यहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल आप उनके बात जब आपने भेज दिया हिंदुस्तान को तो बाकी क्या रहा। तारिक फतेह देखिए सीधी बात है, मौलानाओं को और मदरसा चलाने वालों को डर ये लगा हुआ है कि जिन औरतों को इन्होंने दबा के काले कफन के अंदर बंद रखा हुआ है और कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पे अजाब लगेगा और तुम हिंदुस्तान के नौ मुसलमान लोगों के सामने बिल्कुल बेपर्दा ना जाओ, और तुम 15-15 साल की 13-13 साल की बच्चियों को आने वाले अरब जो आ रहे हैं यहाँ से बच्चियां उठा के जा रहे हैं वहां जाओ, चाइल्ड मैरिज हर किस्म का जुल्म
जो इस वक्त मुसलमान मोहर्रम पे हो रहा है वो मुसलमान मुल्ला लीडरशिप और मॉस्क एस्टेब्लिशमेंट के हाथों हो रहा है। हमारे देश में बात नहीं है, बात करें पाकिस्तान में हो सकता है। खामोश होता आपकी बात कर रहा हूँ, आपके आपके आपकी बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप आए हो। अरे आपने बनाया पाकिस्तान। और मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति है कि इस तरह के लोगों को हमारे देश में बुलाया जा रहा है, कहीं स्लीपर सेल कायम नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है स्लीपर सेल। मुझे डेविड हेडली याद आ जाते हैं, इस तरह के लोग पाकिस्तान में बुलाए जाते रखे जाते हैं। मौलाना साहब, अगर आप ये तय करके आए हैं कि आप ये चेहरा मस्जिद की आदत इस देश का मुसलमान वही है जो आप पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चर्चा खत्म कर देनी चाहिए। फिर बहस ही किस बात की है? आपने तो अदालत में कह दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या हो सकती है। तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। अदालती कार्रवाई होगी तो महिला की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी, उस पर सवाल उठेंगे। कानूनन दूसरी पत्नी रखना इससे बेहतर है कि आदमी कहीं बाहर जाए, किसी दूसरी औरत के साथ रहे। बहुविवाह प्रथा समाज की जरूरत है। कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। अगर मौलाना उनको पूरा करने देंगे आप? जी जी, आप जिन लोगों को सवाल मुझसे कर रहे हैं, नहीं मुझसे कर, आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जिन हिंदुस्तान सुने, जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोहित एक सेकंड सर इंटरव्यू कीजिएगा, पहले इधर से पूरा होने दीजिए, बात तो कर लेने दें प्लीज। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को शरिया चाहिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में शरिया का पाकिस्तान बनाया था। आपके कुछ रिश्तेदार गए थे, आप उनके पीछे चले जाए। मेरा भैया आप छोड़े, दोनों तरफ से खा रहे हैं आप, हज की सब्सिडी भी ले रहे हैं जो हराम है, और हज भी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से लूट रहे हैं। हम नहीं, आप जाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं जा सकते तो सोमालिया, सोमालिया नहीं जा सकते तो सऊदी अरेबिया, अगर वहां भी आपकी बदनसीबी है तो नाइजीरिया चले जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ शरिया मिलेगा। आप जितनी औरतों की पिटाई करना चाहते हैं आप करिए, जितनी अपनी बेटियों को आप ऑनर किलिंग कर सकते हैं कर लें, आपको खुली इजाजत होगी। हिंदुस्तान विदेशी पाकिस्तानी हमें बाहर भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं आपको। सुनिए सुनिए, 5000 साल से जिस शख्स को दरियाए सिंध पैदा होने वाले आदमी को कहे नॉन हिंदुस्तानी, वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। मोहम्मद अली जिन्ना आपका बाप है, जिसने आपको बताया कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। सर सर, मैं चाहता हूं वापस इस विषय पे आइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है रोहित, तो केवल रोहित क्या हमें भी बोलने का मौका मिलेगा? इकतदार आपके पास आ रहा हूं, इकतदार खान साहब आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल मेरा आप ही से है कि भाई केवल मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि हमारा हक मारा जाएगा, सिखों को क्यों नहीं लग रहा? क्रिश्चियंस ने अब तक इसके लिए कोई विरोध की आवाज क्यों नहीं उठाई? वो खाप पंचायतें क्यों नहीं उठ के आ खड़ी हुई कि साहब हमारे अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं आप लोग? मैं बोलूं? हाँ, जवाब इसे पूछ रहा हूं। अच्छा, एक तो जरा सा मैं ये जानना चाहता था कि मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे, ये किस हैसियत में आप लोग इन्हें पसंद करते हैं? ना तो ये हिंदुस्तानी है, मेरी शक्ल अच्छी है, ना मुसलमान है। जो आपको बच्चूरा दोने से मैं क्या इक्तदार इक्तदार देश को तोड़ने की बात भी करते हैं? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे आप क्या चेहरा पेश कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि जो शख्स बोल रहे हैं, नहीं मैं जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहे थे कि आपको नहीं पता, तो झूठ बोल रहे थे आप? नहीं, आपको नहीं पता मैं कौन? नहीं नहीं, मुझे उस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं ना? कौन सा इस्लाम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं आप? रोहित साहब कौन बोल रहे हैं बीच में? आपको नहीं पता कौन बोल रहा है? मैं किसी ऐसे आदमी से बात करना ही नहीं चाहता। आप झूठ बोल रहे हैं, आपस में लड़वाना चाहता है। ये तारिक फतेह होंगे जो मुझे लगता है किसी तरह से एजेंट बन के भेजेगा इंडिया में, जो हमें हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, एबीसीडी नहीं आती, जो इस्लाम के नाम पे जानते नहीं, हाय हाय करते रहो, चार बीवियां रखने का क्या शौक है? सीना कूटते रहे, आप चार बीवियां रखने का क्या शौक है? हिंदुस्तानी है आप, क्यों चार बीवियां रखना है आपको? भेजा गया, काम नहीं बनता आपका? नहीं नहीं नहीं, एक से नहीं बनता। आप बिल्कुल ना बोलिए, लौंडियों में मानना चाहो, आप बिल्कुल शरिया में लौंडियों की इजाजत है। इन्हें तमीज सिखाइए रोहित, रोहित इन्हें तमीज सिखाइए कि कहीं बोलते होते तो बीच में नहीं बोलते। इक्तदार सर, आप प्रोफेसर हैं ना, इन्हें बताइए कि बीच में नहीं बोलते हैं ना? इक्तदार साहब, आप दोनों के लिए यूनिवर्सिटी में आप लॉजिक पे बात करने के बजाय आप इस पे उलझ रहे हैं कि आपने इनको क्यों बुलाया। आप कल को ये पूछेंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया, फिर कोई ना बोले, वापस लाना पड़ेगा। आप वापस मुद्दे पे आइए ना इक्तदार साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिए। मैं आ रहा हूँ। तो कहाँ से घूम के आ रहे हैं सर, सीधे आइए ना। नाहिद की सुनी बात है, मैं नाहिद की बात सुनी,
मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने मौलाना मकसूद कासमी को भी सुना, उनसे भी किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ मैं, और हमारे दोस्त सीनियर डॉक्टर संपीत पात्रा साहब वो भी अपनी बात अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से कह रहे थे। देखिए मैं आपको मालूम है किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आपने मुझे मदऊ किया है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें तमाम मजाहिब के लोगों को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की, उसको प्रचार करने की हमें आज्ञा दी थी, और उसी के जरिए से आज हम तकरीबन 69 ईयर्स होने जा रहे हैं, हम पीछे नहीं गए, हमने दुनिया में अब अपनी पोजीशन टॉप लीडरशिप में पहुंचा दी है, बाज एरियो में हम नंबर वन पे हैं, बाज जगह अंडर फाइव में आते हैं। तो हमें ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें मुख्तलिफ मजाहिब के लिहाज से दिए, तो उसमें जहां तक कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूँ वो कोर्ट का अपना व्यू है, ठीक है, ठीक है। कोर्ट के मामले में जैसे अभी मकसूद ने कहा कि भाई उन खवातीन जो इससे, सुन लीजिए पूरी बात, खवातीन जो इससे मुतासिर है हमें उनसे भी नजरिया लेना चाहिए, ना कि किसी कनाडा से आए हुए आदमी का नजरिया लेना चाहिए। तो कोर्ट ने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ रोहित, आप दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरी नजर में, और मैं आप दोनों को एक बराबर तोलता हूं, इसलिए आप कम से कम किसी मेहमान पर इस तरीके से नमस्ते करके जाने के लिए आजाद हैं। भारत सरकार का, मैंने कहा आप अगर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं बतौर इस्लामिक स्कॉलर, आप चर्चा में है तो आप अपना पक्ष रखिए, अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है सुनिए तो आप अच्छा सुनिए, कान से निकाल दीजिए एयरफोन और बैठ के टीवी देखिए आराम से, आप सुनना नहीं चाह रहे ना, सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, ऐसे बात मत कीजिए, सुनिए पूरी बात, आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का, नहीं नहीं आप सुनिए, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आप बोल के बीच में बर्बाद कर रहे हैं की बात, पूरी बात मैं ये कह रहा था कि मजहबी, अब सुन तो लीजिए पूरी, ये डिबेट में कुछ टॉपिक ही नहीं आ रहा है, मामला मजहबी सुन लीजिए, अरे सुनिए मैं आ रहा हूँ भाई, सुन तो लीजिए, मजहबी मामलात का मामला मजहबी लीडरों का है, कानून का मामला हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहाँ सरकार कानून पुलिस अदालतें अरे घंटियां बजाने के लिए हैं देश में, देखिए देखिए जब मुस्लिम पर्सनला का आता है तो हिंदू पर्सनला वोट भी है, सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, सुनिए ना मजहब ने क्या कहा अदालत में जाके, इसको इसको अब मैं सुनाता हूँ, शैलेश रंजन मेरे साथ हैं, देखिए वो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी, मजहब सुन लीजिए, सुनिए ना सुनिए, अब आप सुनिए सर, बहुत देर से आप सुना रहे हैं आपको, शैलेश रंजन तो आप मना कर, अब सुनिए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की आशंका, तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठेगा, कानूनन दूसरी पत्नी रख लेना अवैध संबंध होने से बेहतर है, कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। शैलेश जरा ये चीज बताइए कि संविधान अगर बना तो उसमें ये ऐसी व्यवस्था कैसे आ गई, या आ गई तो वो कैसे बदली जा सकती है कि भाई कोई धर्म अपने को संविधान और कानून से ऊपर ही मान बैठे, हाँ, और कहे कि नहीं कानून संविधान हमारे हिसाब से चलेगा, हम संविधान कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन रोहित मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि पिछले 12 से 15 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 से 4 बार ये बात कही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, और ये बाजाब्ता जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैसी स्थिति में जहां तक कानून में बदलाव की जरूरत है, भारत में संविधान सबसे ऊपर है और उसके हिसाब से 2/3 बहुमत के साथ चीजें पलटी भी जाती है, जैसे शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार ने किया था, उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। जो माननीय उसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार देश में जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात को लेकर बार बार ये कह रहा है तो क्या उसमें समीक्षा किए जाने का अधिकार देश की अदालतों या सरकारों को नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है रोहित।